दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। इफ यू वांट टू रियली सी समथिंग दैट सेड टेक अ लुक व्हाट हैपेंड। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ है ये तो आप सभी जानते हैं। किस तरीके से उनको मारने की कोशिश की गई, किस तरह वो बाल बाल बचे, उनका बचना एक दैवीय चमत्कार ही माना जा रहा था। जिस समय वह भाषण दे रहे थे, अगर थोड़ा भी उनका सिर और हिल जाता और पीछे की तरफ चला जाता तो जो गोली कान में लगी थी वो कान से हट के माथे को चीरती हुई जाती। लेकिन फिर भी बेशर्मी देखिए कुछ लोगों की, वो कह रहे हैं ये स्क्रिप्टेड है। और वो कहने वाले वही लोग हैं जिनके पार्टी के दो दो नेता इसी तरह के हत्याकांड का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, मैं राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। अगर आप में इतनी शर्म नहीं है कि आप इस घटना को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ जो नृशंस घटना हुई वह भी स्क्रिप्टेड ही थी, बस शायद स्क्रिप्ट फेल हो गई। कैसा लगेगा? तो किसी दूसरे पर इस तरह के आक्षेप लगाने से पहले खुद की पार्टी के इतिहास को भी देख लीजिए। खैर, आज की घटना पर लौट के आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से, जो कि अमेरिका में होती है, उससे बहुत बड़ा संबंध रहा है? क्या आपको पता है कि एक बार जब इस्कॉन पूरे अमेरिका में हर जगह से हार गया था, तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की थी इस्कॉन की? आखिर इस्कॉन के कोलकाता उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने क्यों बता दिया कि ट्रंप जो बाल बाल बचे हैं वो दैवीय हस्तक्षेप है? ये वीडियो आपको जरूर ज्ञानवर्धक जानकारी देकर जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसको और जय श्री राम लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे ज्यादा आगे हैं। And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. बाइडन उनके आसपास भी नहीं है। यही कारण है कि जो वामपंथी हैं या जो ट्रंप से नफरत करते हैं, उन्होंने साजिशन ट्रंप को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बाल बाल बच गए। दोस्तों, 10 दिन तक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा चलती है। 10 दिनों तक भगवान गुडिंचा मंदिर में भक्तों को दर्शन देते हैं और भारत के अलग अलग शहरों में भी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि भारत नहीं, विदेशों में भी रथ यात्राएं निकलती हैं और अमेरिका में तो धूमधाम से निकलती है। यहीं से कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप और भगवान श्री जगन्नाथ का। दरअसल ये बात है 1976 की, जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इस्कॉन कहा जाता है, इसने दुनिया के तमाम शहरों में रथ यात्रा निकाली और उसमें से न्यूयॉर्क भी एक था। और निर्णय लिया कि अब हम न्यूयॉर्क में 3 भव्य रथों को लेकर भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकालेंगे। इस्कॉन के भक्तों को एक जगह चाहिए थी जहां पर रथ का निर्माण हो सके और फिर उसको यात्रा वाले मार्ग पर ले जाया जा सके। और ये उस समय मैनहट्टन में देखा जा रहा था, वो मैनहट्टन शहर जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय वहां जगह की कितनी ज्यादा अहमियत होगी। मैनहट्टन में आज भी संपत्ति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कई रईस भी वहां पर संपत्ति नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते, क्योंकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी है वहां की। लेकिन इस्कॉन को तो चाहिए थी ऐसी संपत्ति जहां खुली जमीन हो, जहां पर रथ बनाए जा सके भगवान श्री जगन्नाथ के। तो हुआ ये कि एक पेंसिल्वेनिया रेल रोड यार्ड्स नाम की जगह थी, इसको चुना गया। पता चला कि यह जगह किसी कॉर्पोरेट कंपनी की है। कंपनी से निवेदन किया गया कि रथों के निर्माण के लिए कुछ दिनों के लिए वो एरिया कृष्ण भक्तों को दे दिया जाए। कंपनी ने कहा, अरे ये जमीन तो बिकने वाली है और ये अब नए मालिकों के ऊपर है कि वो जमीन देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कट्टर माना जाता है, कहा जाता है कट्टर ईसाई है, लेकिन पता चला कि वही डोनाल्ड ट्रंप इस जमीन के मालिक थे, नए मालिक, वही जो 41 वर्षों बाद राष्ट्रपति बनने वाले थे। जब डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रस्ताव भेजा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने मिलने को बुलाया इस्कॉन के लोगों को। ये वही जगह थी जहां पर इन सारी खरीद फरोख्त का जो डॉक्यूमेंटेशन था वो होना था। डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो वो इस्कॉन के इस प्रस्ताव
को रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर श्री जगन्नाथ से जुड़े हुए रथ बनाइए, आपको जो भी करना है करिए, हम भगवान के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ और वो बाल बाल बच गए, तो इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने इसे कहा कि ये एक दैवीय हस्तक्षेप है। जबकि ये घटना है तब डोनाल्ड ट्रंप मात्र 30 वर्ष के थे और इस्कॉन अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा था। इस तरह ये न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा बन गई। इससे पहले अन्य कंपनियों ने इस्कॉन को मना कर दिया था, वो इंश्योरेंस से लेकर अन्य चीजों को लेकर आशंकित थे। जब इस्कॉन के लोग डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रस्ताव लेकर गए थे तब महाप्रसाद भी लेकर गए थे। उनके सेक्रेटरी ने तो प्रतिनिधियों को कह भी दिया था कि इस तरह के प्रस्तावों को वो स्वीकार नहीं करते, आप उनके सामने से रख सकते हैं लेकिन उत्तर उनका ना ही होगा। लेकिन 3 दिन बाद उनके सेक्रेटरी ने फोन करके कहा कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पत्र पढ़ा, प्रसाद खाया और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस से भी अनुमति मिल गई। पुलिस चीफ ने अनुमति पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो ये किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। पुलिस चीफ ने भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इजाजत दे दी है तो वाकई में आश्चर्यजनक है, शायद वो महाप्रसाद का ही इफेक्ट था या भगवान श्री जगन्नाथ में खुद डोनाल्ड ट्रंप की आस्था थी। लेकिन इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम रथ यात्राओं के इतिहास में अंकित हो गया। शायद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ के इस पुण्य कार्य में सहभागी बने, हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा ही रही हो कि इस खतरनाक हमले में भी डोनाल्ड ट्रंप जीवित बच गए। ये दोस्तों काफी आश्चर्यजनक घटना ये भी है कि उस समय विदेशों में भारतीयों के खिलाफ काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स फैले हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अभी भी अपना काम करना छोड़ा नहीं था। जो जहर वो भारतीयों के खिलाफ भर के गए थे वो पूरे यूरोप में दिख रहा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सामने आना और इस्कॉन के लिए रथ यात्रा के लिए जगह देना अपने आप में काफी ज्यादा हैरानी की बात है। तो शायद अच्छे कर्म कभी न कभी लौट कर जरूर आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिएगा। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।